हेलो डियर, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे एल्केन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हम एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आपको पता है कि एल्केन के पास ना तो बंदूक है और ना ही बंदूक में गोली, मतलब एल्केन के पास कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। इस कारण एल्केन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है। अब एल्केन के पास कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, इस कारण एल्केन किसी से रिएक्ट भी नहीं करता। तभी तो जब एल्केन के पास ये हमारे एसिड HCl, HBr, HI आते हैं रिएक्शन करने के लिए, तो एल्केन मना कर देता है। जब एल्केन के पास कोई बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है, तो एल्केन रिएक्शन करने से मना कर देता है। जब कोई सॉल्ट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, तो एल्केन रिएक्शन से मना कर देता है। जब कोई मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्शन करने के लिए आते हैं, तो एल्केन जो है वो मना कर देता है। अब इतने सारे रिएजेंट को एल्केन जो है वो मना कर देता है कि हमें आपसे कोई रिएक्शन नहीं करनी, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको शांति के साथ जीने दो। आपको क्या लगता है कि इतने सारे रिएजेंट एल्केन को शांति के साथ जीने देंगे? शांति का मतलब स्थिरता, ठहराव से है, कुछ और नहीं समझ लेना। तो इतने सारे रिएजेंट एल्केन को शांति के साथ तो नहीं रहने देंगे, तो फिर क्या करेंगे? ये सब सलाह करते हैं कि एल्केन की फुटबॉल बना दी जाए। फिर कोई कहता है नहीं, एल्केन को इतना मारा पीटा जाए कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाए। फिर वो कहता है मारना पीटना क्यों, एल्केन को डायरेक्ट आग ही लगा दो। तो हजार मुंह और हजार बातें। तो जब एल्केन को आग लगा दी जाती है, मतलब एल्केन का कंबस्टन किया जाता है, तो एल्केन कंबस्टन पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर देता है। और आपको पता है कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एल्केन जो है वो अनरिएक्टिव है, इस कारण एल्केन का यूज जो है वो हम एज अ फ्यूल करते हैं। जो हमारा पेट्रोल है, जो हमारा केरोसिन है, वो भी एल्केन के सदस्य है, राइट? तो मीथेन बर्निंग पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर देगा, इथेन बर्निंग पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर देगा। फिर कहा कि नहीं, एल्केन के जो है वो हाथ पैर तोड़ने हैं। तो हाथ पैर तोड़ने के लिए स्पेशलिस्ट बुलाया जाता है, और वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। बर्निंग का स्पेशलिस्ट तो ऑक्सीजन है, लेकिन हाथ पैर तोड़ने का स्पेशलिस्ट हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, हाथ तोड़ दिया तो आइसोब्यूटेन बन गया, ये हाथ तोड़ दिया। ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन है, हाथ तोड़ दिया तो ये हमारा आइसोहेक्सेन बन गया। हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए तो ये हमारा 2,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। एरोमेटाइजेशन मतलब फुटबॉल बनाने के लिए हमको चाहिए है फुटबॉल बनाने वाला स्पेशलिस्ट, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। इसकी जगह आप सल्फर, सेलेनियम, प्लेटिनम, पैलेडियम भी ले सकते हो। तो ये जो है ये एल्केन को फुटबॉल बना देते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन है, से हमारा बेंजीन बन गया। तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, मतलब एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। तो सबसे पहले हमारा साइक्लोहेक्सेन बनेगा, इसके बाद हमारा बेंजीन बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो निकलती है। ये हमारा नॉर्मल हेप्टेन है। नॉर्मल हेप्टेन से क्या बनेगा? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फिर इसको हम हीट करेंगे प्लेटिनम में, ठीक है। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे प्लेटिनम लिया, हीट किया जाएगा तो ये हमारा टोलुइन बन जाएगा। इसके बाद हमारे फोर्थ रिएक्शन है हैलोजनेशन। तो एल्केन के पास कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है, फिर भी एल्केन जो है वो हैलोजन को देख के उसके अंदर कुछ कुछ होने लगता है। तो फिर वो हैलोजन को बुलाता है और कहता है आओ हमारे साथ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हैलोजन कहता है कि तुम्हारे पास ना तो बंदूक है ना बंदूक में गोली है, क्या बात करोगे? तो एल्केन कहता है मुझे ऐसा वैसा ना समझो, हम हाइड्रोजन हटा के कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो हैलोजन जो है वो रुक जाती है। तो जब एल्केन का फ्लोरिनेशन होता है, तो ये फ्लोरिनेशन जो है बहुत वायलेंट होता है, ये रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिव होती है।
तो एल्केन का फ्लोरिनेशन जो है वो डायरेक्ट एल्केन की फ्लोरिन के साथ रिएक्शन करा के हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। जब क्लोरिनेशन होता है तो क्लोरिनेशन में क्लोरोमीथेन बनता है, डाइक्लोरोमीथेन बनता है, ट्राइक्लोरोमीथेन बनता है और टेट्राक्लोरोमीथेन भी बनता है। ये सारे पॉसिबल कंपाउंड जो है वो बनते हैं। ब्रोमिनेशन में भी यही होता है क्लोरिनेशन जैसा। आयोडीनेशन में रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये एच आई हटाना होता है। इसके लिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो, या तो हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज कर लेते हैं या फिर हम HIO3 का यूज करते हैं। ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो कि एच आई को क्या कर देगा, ये एच आई नेसेंट ऑक्सीजन जो है उसको वाटर एंड आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण ये रिएक्शन जो है वो हमारी रिवर्सिबल नहीं होगी। तो फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन के लिए स्पेशल मेथड हम यूज करते हैं। फ्लोरिनेशन के लिए हम स्वार्ट्स मेथड यूज करते हैं और आयोडीनेशन के लिए हम फिंकलस्टाइन रिएक्शन यूज करते हैं। तो जो हमारी फ्लोरिनेशन के लिए स्वार्ट्स मेथड होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड या फिर HG2F2 ये यूज करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि CH3Cl ले लेते हैं, राइट, कोई भी हेलो एल्केन ले लो, फिर उसका फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो हमारा AgCl बन जाएगा और बन जाएगा CH3F। तो ऐसा फ्लोरिनेशन जो है किया जाता है, इसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। आयोडीनेशन के लिए हम यूज करते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी हेलो एल्केन ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पे CH3Cl ले लिया और इसको हमें सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराना है, एसीटोन सॉल्वेंट है, तो ये बनेगा CH3I और बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो ये हमारी फिंकलस्टाइन रिएक्शन हो गई। तो स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू हम फ्लोरिनेशन करते हैं, फिंकलस्टाइन रिएक्शन के थ्रू हम आयोडीनेशन करते हैं। फिर यहाँ पे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, तो हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन जो है वायलेंट होती है, तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो आपको पता है मार्कोनिकोफ हमको बता चुके हैं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है। तो ये हमारा एक एल्केन है, ठीक है, 2-methyl-butene। इसमें ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो इससे जुड़ा हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये वाला हमारा 2 डिग्री है और ये सारे के सारे हमारे 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो क्लोरिनेशन होगा तो ऑल पॉसिबल कंपाउंड जो है वो बनेंगे, ठीक है, सारे पॉसिबल कंपाउंड जो है वो बनेंगे। तो देखो जरा, 3 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे क्लोरिनेट होगा, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ भी क्लोरीन अटैच होगा, और आप यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो है वो अलग बनेगा, तो एक और प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH CH2Cl CH2 और ये CH3। ठीक है, तो ये 4 प्रोडक्ट जो है वो बन जाएंगे। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन बनेगा, ये बनेगा, फिर ये 2 डिग्री वाला बनेगा, फिर 1 डिग्री वाला बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे 5th प्रॉपर्टीज है नाइट्रेशन, 6 नंबर की है सल्फोनेशन। तो जैसे ही अल्केन ने नाइट्रिक एसिड को देखा और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमारा नाइट्रेशन के लिए HNO3 चाहिए, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, और सल्फोनेशन के लिए चाहिए H2SO4, वो भी कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड, और उसमें SO3 मिक्स हो तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये बनता है हमारा H2S2O7, ये H2S2O7, इसको हम बोलते हैं ओलियम। तो एल्केन को ये दोनों जो है वो ब्लेंड नज़र आते हैं,
ये दोनों कहते हैं हमारे साथ रिएक्शन करोगे, तो एल्केन कहते हैं ना बाबा ना। तो ये दोनों कहते हैं क्यों, हमें कांटे लगे हैं क्या, हेलोजन के साथ तो मटक मटक के डांस कर रही थी। तो ये दोनों जबरदस्ती जो है वो एल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब नाइट्रेशन होता है तो देखो कैसे होता है हमारा CH3, CH2, CH2, CH3, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है। नाइट्रेशन होगा तो HNO3 की रिएक्शन होगी, और वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड। तो HNO3 को हम लिख सकते हैं OH एंड डबल बॉन्ड O O, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको पता है कि ये हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी तो आपको पता है 3 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 1 डिग्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, यहाँ पे NO2, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो वाटर जो है वो निकल जाएगा और नाइट्रो एल्केन जो है वो बन जाएगा ये CH2 और ये CH3। तो ये बन जाएगा हमारा 2 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है, और 1 नाइट्रो ब्यूटेन भी बनेगा, तो CH3 CH CH, है ना, ये 2 कर लो और ये CH2 NO2। तो ये हमारा 1 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा 1 नाइट्रो ब्यूटेन बन गया। 1 नाइट्रो 2 नाइट्रो ब्यूटेन बनने के बाद यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन होने पर भी नाइट्रेशन होगा, मतलब अगर हमारा ये बॉन्ड टूटा तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बॉन्ड टूटा तो ये दो कार्बन वाला नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। तो ये है यहाँ पे CH3 NO2, ये भी बनेगा, ठीक है, नाइट्रोमीथेन बनेगा, और हमारा CH3 CH2 NO2, ये भी बनेगा, ठीक है, नाइट्रोइथेन बनेगा, और हमारा CH3 CH2 CH2 NO2, नाइट्रोप्रोपेन बनेगा, ठीक है। नाइट्रोब्यूटेन तो आप बना चुके हो, ठीक है, 2 नाइट्रोब्यूटेन भी आप बना चुके हो, तो ऑल पॉसिबल नाइट्रो कंपाउंड जो है वो बनते हैं नाइट्रेशन पे, ठीक है। और ये जबरदस्ती की रिएक्शन है। सल्फोनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे H2SO4 चाहिए, SO3 मिक्स, ठीक है, तो सल्फोनेशन भी हम इसका करा देते हैं। तो देखो जरा, हमारा CH3 CH2 CH2 CH3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, तो वाटर निकल जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH, यहाँ पे SO3H और CH2 CH3, ठीक है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाल लो तो ये बनेगा CH3 CH2 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 SO3H, ठीक है। तो यहां भी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा एल्केन का वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा, राइट। तो ये हमारा नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन प्रोसेस हो गई। फिर इसके बाद हमारा 7th नंबर है क्रैकिंग, जिसको हम पाइरोलिसिस बोलते हैं, इसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो क्रैकिंग में होता क्या है कि जो हमारे हायर एल्केन है वो स्मॉल एल्केन और एल्कीन में ब्रेक हो जाते हैं। तो स्मॉल एल्केन और एल्कीन बनता है जब हम हायर एल्केन को हीट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग बोलते हैं, इसी को हम पायरोलिसिस बोलते हैं, इसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये हमारा डेकेन है, ठीक है, 10 कार्बन का एल्केन है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 कार्बन का एल्किन बना तो 3 कार्बन का एल्किन बनेगा, तो ये हमारा हेप्टेन है, ये हमारा प्रोपीन है। अगर यहाँ पे 6 कार्बन का एल्किन है तो 4 कार्बन का एल्किन बनेगा। अगर यहाँ पे 5 कार्बन का एल्किन बना है तो 5 कार्बन का एल्किन बनेगा। अगर यहाँ पे 4 कार्बन का एल्किन है तो 6 कार्बन का एल्किन बनेगा, ठीक है ना। तो ये ब्रेकअप जो है वो किसी भी तरीके से पॉसिबल है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करें, तो कैटलिस्ट आप यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड SiO2 सिलिका यूज करते हो, तो फिर ये टेम्परेचर जो है वो 100 से 150 केल्विन जो है वो कम हो जाएगा,
तो ये 600 टू 650 केल्विन पे ये ब्रेकअप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैटालिटिक क्रैकिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन हो गई। इसके बाद हम एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी। तो एल्केन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। रीजन ये है कि एल्केन हमारा नॉन पोलर है, जबकि वाटर कैसा होता है, पोलर होता है, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल यहां पे अप्लाई होगा, तो एल्केन वाटर में कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। फिर सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है हमारा मोलर मास पे। मोलर मास अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। दूसरा ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, ठीक है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो मोलर मास की अगर हम बात करें, तो अगर हम कहते हैं कि C6H14 ये हमारा हेक्सेन हो गया और C3H8 ये हमारा प्रोपेन हो गया, तो हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। रीजन ये है कि हेक्सेन का मोलर मास ज्यादा है, इस कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो गया। फिर हम देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि ये हमारा है CH3, CH2, 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 CH3, ये हमारा है नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा, तो सरफेस एरिया ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फिर हम इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। CH2, CH3 ये हमारा आइसोपेंटेन हो गया, ठीक है। और ये हम बना देते हैं न्यू पेंटेन, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो हमारा ये हो जाएगा। और अगर इसका हम साइक्लो कंपाउंड बना दें तो ये हमारा साइक्लोपेंटेन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है पोलैरिटी में। तो पोलैरिटी मतलब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्काइन की पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो अगर 5 कार्बन वाला एल्काइन है तो एल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 5 कार्बन वाले एल्कीन से, और एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 5 कार्बन वाले एल्केन से। अगर कार्बन नंबर सेम है तो उनके मोलर मास भी सेम होंगे, मोलर मास सेम होंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिसाइड होगा, पोलैरिटी पे डिसाइड होगा। फिर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा डिपेंड करता है मोलर मास पे, ये डिपेंड करता है सिमेट्री पे, और ये डिपेंड करता है पोलैरिटी पे। तो यहाँ पे मोलर मास में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। रीजन ये है कि एल्केन जो हमारा इवन नंबर वाला होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर एल्केन से। तो उसके आजू और बाजू में जो ऑड नंबर का एल्केन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जो बीच वाला जो हमारा इवन नंबर का एल्केन है उससे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा C8 है, ये C7 एल्केन है और ये C9 एल्केन है, तो C8 एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है C9 एल्केन से और C7 एल्केन से, ठीक है ना। रीजन ये है सिमेट्री। इवन नंबर का जो एल्केन है होता है उसकी सिमेट्री ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑड नंबर एल्केन से। फिर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो देखो जरा, ये हमारा पेंटेन है, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन की सिमेट्री ज्यादा होगी, इस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है फिर वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो ऐसा होने वाला है, क्यों, क्योंकि सिमेट्री जो है ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो साइक्लोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर नियोपेंटेन का, फिर आइसोपेंटेन का, फिर नॉर्मल पेंटेन का। तो ये सिमेट्री पे डिपेंड करता है। फिर आती है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का ऑर्डर यही है, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो एल्काइन का मेल्टिंग पॉइंट एल्कीन से ज्यादा होता है, एल्कीन का
एलकेन से ज्यादा होता है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू बंधनगर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।